माई सिस्टर प्रियंका शी गॉट मी अ फोटो शूट विद अविनाश कोवारेकर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड मैंने तो बस वो पिक्चर्स ली और वो पता नहीं कैसे सर्कुलेट हो गई वो उसे जनरली कराया था दैर यू नो यू नीर अ गुड फोटो शूट समथिंग एंड वहां से मुझे कॉल्स आने लगे ऑडिशंस के सो आई काइंड ऑफ लाइक आपको अपनी फैमिली का या अपने सरनेम को लेकर आगे नहीं बढ़ना छोटी प्रियंका परिनी की कजन ये सब मत बोली है आप क्या बोल रहे हो बट वेन्स पीपल टॉकिंग अबाउट इट तो ऑनेस्टली मेरे मन में एक हिच आता था, था कि वाई यू टॉकिंग अबाउट you know my family and everything because if i have been invited by the big boss platform it is primarily because they like my personality and they wanted me to be there as manara नी you know, so my my मेरे से लड़ो मेरे से बातें करो मुझसे गप्पे मारोट इपल्स के बीच में आई गई थी जितने सारे पाँच छे कपल्स बन गए थे, <laughs> सारे तो तो कपल्स थे सारे तो कपल्स थे okay. तो एक दूसरे को बाहर से जानती थे दे वॉज नॉट टू वे अबाउट इट मैं ही थी जो यूट्यूबर्स थे वो एक दूसरे को बाहर से जानते थे जो कपल्स है वो तो ऑब्वियसली एक दूसरे को बाहर से जानते थे तो मेको लग रहा था मैं ही तो बेहूफू

Manara means something that shines and uh, yeah I mean I think after Big Boss uh, हम जितने भी Big Boss के contestants थे जितने भी थे we all are shining so yeah I want to shine bright in whatever I want to do in my life so उसी के हिसाब से Manara means something that shines आपको पता है ना इंडस्ट्री में लकी माना जाता है अगर हम नेम चेंज करते हैं तो of course माई नेम इज़ आई चेंज माई नेम इट वॉज डन वेरी लॉन्ग बैक जब मैंने फिल्म करनी शुरू भी नहीं करी थी उससे पहले मेरी रिलीज से पहले सो या इट्स वर्किंग वेल फॉर मी आई एव डन अबाउट नाइन फिल्म एंड आम वेरी हैप्पी अबाउट इट तो ये दिल्ली की लड़की ने कब सोचा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है क्योंकि दिल्ली में कहाँ से ख्याल आया Uh, दिल्ली में ऐसा कोई बैठ के एक दिन ऐसा नहीं था कि मैंने uh, सोचा और ख्याल आया बट uh, मैं स्कूल टाइम से ही हमेशा से क्रिएटिव आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी मतलब आई रिम्बर मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म वाइट कलर की होती थी और जब तक घर में पहुंचती थी uh, मेरी वो पूरी पेंटेड एंड यू नो वो स्टेन्स लगे हैं ग्रीन रेड पर्पल आई वॉज अ लॉर्ड इन पेंटिंग आई वॉज अ लॉर्ड इन सो देन माई मदर पुट मी इन माई डांस क्लासेस जो हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स ही थे बट दे यूज़ टू डू अ लॉड ऑफ शोज इंटरनेशनली दे आर अ वेरी फेमस डांस ट्रूप इन डेली एंड दे काइंड ऑफ लाइक स्टार्ट गिविंग मी अ लॉड ऑफ शोज विच आई जस्ट यूज टू डू इट ऑन फॉर फन यू नो सैटरडे संडे दे आर लाइक अच्छा वी आर वी आर ट्रेवलिंग टू सो एन जो कंट्री ओके फाइन चलो चलते हैं तो मैं इंडिया में शोज नहीं करती थी मुझे बहुत शर्म आती थी कि यू नो स्टेज पे थोड़ा होता है ना आई यूज टू गेट अ लॉट ऑफ हिट बट इंटरनेशनली आई वाज फाइन सो आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ शोज तो वहाँ से एक स्टेज कॉन्फिडेंस जो था वो और ज़्यादा डेवलप होने लग गया एंड uh, पढ़ाई मैं कर ही रही थी एंड देन वन डे वन आई फिनिश माई ग्रेजुएशन एंड वन डे से दे एड यू वॉन्ट गो टू बॉम्बे एंड आई वॉज लाइक बॉम्बे फॉर लाइक वॉट लाइक यू गो एज़ एन असिस्टेंट डांस कॉरियोग्राफर एंड आई वॉज वेरी नाई इवन वेरी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम माई फैमिली सो आई केम टू बॉम्बे विद वर्क एंड मेरे तब भी ग्रेजुएशन के एग्जाम्स तो चलते ही रहते थे सो आई वॉज डूइंग अ लॉड ऑफ डांस एंड तब मेरे को ऑडिशंस की कॉल्स आने लगी यू नो हाउ यू आर पिक्चर्स गेट सर्कुलेटेड माई सिस्टर प्रियंका शे गॉट मी अ फोटो शूट विद अविनाश कोवारेकर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड मैंने तो बस वो पिक्चर्स ली और वो पता नहीं कैसे सर्कुलेट हो गई वो उसे जनरली कराया था दैर यू नो यू नीर अ गुड फोटो शूट अ समथिंग सो एड इट विद अविनाश सो एंड इट जस्ट गॉट सर्कुलेटेड And from there, I started getting calls aane auditions ke. So I kind of like started doing a lot of ads So I shot with Salman sir at that point of time in Hyderabad For a commercial I shot with Imtiaz Ali sir at Lucknow And uh, then I shot with Habib Faisal sir There was a commercial of your and Priyanka, I think i heard as yes. well nah? So me and Priyanka did uh, Three commercials together oh. Yeah, yes, I think it was three or two

यू नो यूज़ टू दिस मीडिया कल्चर बिकॉज रियल लाइफ में मैं बहुत शायन कॉ एन यू नो लाइक दिल्ली की नॉर्मल लड़की थी जिसको काम तो सब पता है बट दुनियादारी तो नहीं पता तो इस तरह की थी एंड देन आई थिंक हैदराबाद गेमी दैट कम्फर्ट वेयर यू नो पीपल वेरी वॉम एंड वेरी वेलकमिंग एंड एकदम घर जैसा लगता है तो आज भी अगर मैं किसी को हैदराबाद से देखती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ चाहे मैं बिग बॉस के घर पर भी अरुण भाई को मिले गेट यू नो एक अलग सेंटिमेंट रहता है एंड या द जर्नी वेंट ऑन एंडेड अमेजिंग कॉन्टेंट देयर अमेजिंग नाउ आम एम इन बॉम्बे जर्नी टाइम पर लगा मन आ रहा

So you kind of develop that comfort. I used to, I was there in that phase of Mumbai, but then I used to do Hyderabad-Delhi, Hyderabad-Delhi. So it's just that now when I have actually kind of shifted to Mumbai. So to now you can say that I have to Mumbai and I look forward to have more friends, um, uh, look forward to meet more people. And I think now I'm more well-versed to have communication with people.

शायद 99.999% <laughs> लोगों को चुप कराया है कि प्लीज इस बात को बड़ा मत बनाइए जी इस बात का मुद्दा मत बनाइए मुझे अह <laughs> uh, uh, मुझे मतलब छोटी प्रियंका ये मतलब परिनिती की कजन ये सब मत बोलिए जी एंड आई फील वेरी नाइस अबाउट इट बिकॉज़ इज सो मच प्राइड यू टेक इन योर ओन सेल्फ एंड यू कॉन्फिडेंट दैट अस अ ह्यूमन बीइंग यू आर देयर एज यू वो थॉट बहुत कॉन्शियसली आपने रखा था अपने दिमाग में कि मुझे ऐसा किसी भी लैर टाइप के साथ आगे नहीं जाना और वॉज जस्ट ऑलवेज देयर तो बेसिकली ये मेरी लाइफ का फंडा है आई डोंट लाइक टू टेक दैट एडवांटेज ऑफ बींग नोन थ्रू समवन लाइक अगर मैं अभी बिग बॉस की बात करूँ तो जब मैं बिग बॉस के घर पर गई थी मुझे अंकिता जी के अलावा किसी की शक्ल से ऐसा नहीं पता था यू you नो know, कौन क्या it? है आई दैट बट अभी जब मैं बाहर भी आई हूँ आई सी यू नो दीज पीपल जो ये ऑलरेडी यूट्यूबर्स थे यू नो दे हैव बिग नेम इन देयर ओन क्रिएटिव फील्ड बट मैं आज भी वो इंसान नहीं हूँ घर से बाहर निकल के, ने के बाद भी कि यू नो ओ आई वॉन्ट टू बी सीन विद दिस पर्सन बिकॉज यू नो उसका फेम मेरे को एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ओनली ये मैं आपको जनरली अपने बारे में बता रही हूँ मेरे को लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है बट मुझे अपनी जर्नी खुद से क्रिएट करना पसंद है एंड आई रियली रिस्पेक्ट एंड एडमायर माई सेल्फ फॉर दैट यू नो लाइक आज हम बिग बॉस से निकले हैं एंड द काइंड ऑफ लव आम गेटिंग इज़ बियॉन्ड यू नो तो मुझे ये लगता है कि ये जो प्यार मुझे मिला है ये मुझे अपने खुद के यू uh, नो you know, लोगों ने मुझे ऐसे पसंद किया है इसलिए मिला है और शाम के पाँच बजे मैं बिग बॉस के घर पे थी तो मैंने इतना सोचा ही नहीं यू नो माई काजार मैंने इतना सोचा ही नहीं अब गोइंग देर एंड लेट्स जस्ट सी कि क्या होने वाला है बट वेन्न पीपल स्टार्टड टॉकिंग अबाउट इट तो ऑनिस्टली मेरे मन में एक हिच आता था कि वाई यू टॉकिंग अबाउट You know, my family and everything. Because if I have been invited by the Big Boss platform, it is primarily because. They liked my personality and they wanted me to be there as Manara. You know, so you talk about me, you talk about my films, my journey. Med se lado, se karo, gappe Don't involve my family because everybody have their own space in life and they are also like kind of married. They have their own family, so don't involve them. And also, I feel it looks kind of a show off. कि आप अपने आप को किसी तरह से पोट्रे कर रहे हो बिकॉज़ आई फील अगर आज बिग uh, बॉस के घर में भी इतने सेलिब्रिटीज़ आए एंड अबर ओहो सलमान सहू रिप्रजेंट्स आर कंट्री ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आज वो लोग जितना uh, मुझे जानते हैं दे नो मी बाय माई पर्सनैलिटी सो दे नो कि अभी मनारा कैसी है तो अगर मैं हर लाइन में किसी और का नाम लूंगी तो वो अच्छा नहीं लगता दैट वॉज माई ओनली रीज़न एंड आई एम द सेम पर्सन आउटसाइड I am like that. I can't explain it more. <laughs> no, but that's, uh, I would find it really commendable because I was, when you were I remember reading so many clippings and so many reels. Uh, par I just got married by that time. I think wo -paas yes, mein hi kuch I was in States uh, at uh, that point uh, you of time. You were not at the wedding. Yeah, uh, but, but my family, my mother, my uh, dad, and everyone, my sister was there. Yeah, And I was reading and I'm like, really. अब हम बिकॉज यू नो वंस यू गेट पॉपुलर इन बिग बॉस ऑल द रील्स एंड एंड ऑल द कम आउट आई इनफॉमशन लाइक इतना डीपली पीपल आर फॉलोइंग फॉइंग लाइफ वन एवर आई गेट टू मीट हर आई लास्ट दैट सडनली यू आर अंडर दिस फ्लैश द स्कैनर्स हाउ हाउ डू यू फील आई फील नाइस लाइक विद इन द हाउस मुझे ऐसे लगता था कि uh, मैं मैंने पूरी लाइफ काम ही की है <laughs> मैं काम ही करती रही हूँ भी बिग बॉस के घर से निकलने के जस्ट सेकेंड ए आए हारे Oh, word with somebody very senior at the end of all and they you know somebody connected me i was at some office and they connected me to her and she was like manara you are here to kal to hai big boss ke ghar se. i was like you know that's that's my routine in life Even. i am addicted to this pattern तो बट जब मैं बिग बॉस के घर में जेनवनली गई यू आर सेंग आई वॉज अंडर द एंड सो मैनी फ्लैशेज अराउंड मी बट फॉर मी दैट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ बिकॉज मेरे को लगता था कि अरे यहाँ पे तो हम गप्पे मार सकते हैं कोई मोबाइल भी नहीं है कोई काम का भी चक्कर नहीं है अब तो कोई काम भी होगा तो हमें तो पता नहीं चलेगा सो आई रियली एंजॉयड दैट कपड़े नहीं धोए कपड़े धो के देखता है अरे मेरा हाथ कट रहा है खाना बनाते हुए हाथ भी कटते हैं तो यू you नो know, वो एक्सपीरियंसिस जो थे मुझे इतनी एक्साइटिंग लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती वर्ड्स में महाराज जब आपको सलमान स्टेज पे इंट्रोड्यूस कर रहे थे आई रिमेम्बर उस टाइम पे यू वर फ्रेश आउट ऑफ दैट दैट फिल्म तेलगू फिल्म। तेलगू फिल्म, yes. Which is now वो क्लिप भी है बट दट स्क्रिप्ट वो सच की uh, मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ अपनी रियल लाइफ की पर्सनैलिटी जो आपने बिग बॉस में एक्चुअल में देखी है एंड बट या सलमान सो से It's good, like you know, you should not be bothered about such events because I never knew it will get a very uh, viral like that. Yeah. And mujhe laga aray, what was this? But it's just that for him, I'm like a daughter, I'm like a sister, you can say. And yeah, that's all about it. Manara big boss, ki pehli dost thi. let's put it this way. So, <laughs> <To, coughs> manara, <laughs> <laughs> manara big boss, manara big boss, so. इराधा दिन सिंह की क्या बिग बॉस आपकी तरफ बायस से ज्यादा आई विल डायरेक्टली पुट अब टफ क्वेश्चन है वीकेंड टू वीकेंड बिकॉज हाँ बाहर का भी चार्ट सुनते हैं इट वॉज लाइक वॉज सलमान खान हैंड हेल्डिंग मनारा गाइडिंग हर ऑन एवरी वीकेंड का वार एंड शोइंग हर द वे फॉरवर्ड हाउ डू यू रियाक्ट टू सच यू नो नोशन्स वेन दे कम अक्रॉस सो बेसिकली बिग बॉस इज़ अ वेरी क्लियर फॉर्म आर्ट दे डेफिनेटली से हम बायस हैं तो बट बायस वो जो uh, मैं फील करती हूँ कि वो एक अच्छा वाला बायस है बिकॉज इट्स लाइक दे फील दैट दिस पर्सन इज़ राइट एंड दिस पर्सन इज वर्किंग फॉर आर शो एंड इसमें कोई छल कपट नहीं है उनको ऐसा लगा होगा तो दे काइंड ऑफ लाइक बी दे नेवर सपोर्ट द रोंग थिंग यू नो गेटिंग गाइडेड बाय सच अ पर्सन हु ही सो वेलकम बाय द इंडस्ट्री सच अ प्रस्टिजियस पर्सन जैसे मैंने बोला ही नॉट ओनली रिप्रेजेंट्स अर कंट्री नॉट ओनली रिप्रेजेंट्स विद इन आर कंट्री ही रिप्रेजेंट्स अ कंट्री इंटरनेशनली जब वो आपको गाइड करते हैं तो आई थिंक आपको बस सुनना चाहिए एम्बाइड करना चाहिए टू द बेस्ट ऑफ देर कैपेबिलिटीज एंड जो भी मेरे साथ बायस था आई थिंक वो एक अच्छा वाला बायस था और एक अच्छा वाला बायस था इसलिए ऑडियंस ने भी इतना कनेक्ट किया और इतना प्यार दिया बिग बॉस बायस हो जाते या सलमान सब बायस हो जाते बट फैंस तो बायस नहीं होते ना तो अगर बिग बॉस भी मेरे लिए बायस थे तो उनको बाहर से फैंस का प्यार और सपोर्ट दिख रहा होगा मनारा के लिए एंड अगर मैं भी कुछ करती हूँ आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन इवन इन माई रियल लाइफ आलास्ट

Uh, हम वीकेंड के बारे में भी देखते थे सब एक सेट नोशन से थे कि अरे अंकिता लो खाने तो टॉप थ्री में जाएंगी ही अच्छा एंड जब <laughs> आप वहां पे थी आई मीन यू नॉट ओनली जस्ट ब्रोक द नोशंस बट द आइडियाज विच फ्लोटिंग हाउ वॉज दैट फीलिंग वेन यू वर लाइक टॉप थ्री द थर्ड पर्सन वट वॉज द मोमेंट लाइक जब मैं टॉप थ्री थी आपने देखा ही मेरा रिएक्शन मैं तो जैसे कमरे से निकल के आई अवर सो हेव इंजॉय ऑन माई फेस और जब मैं टॉप थ्री में थी मेरी मम्मा भी साथ में खड़ी थी इट वॉज़ लाइक अलिंग इट वॉज लाइक वाव यू नो इट इज़ लाइक अ फीलिंग क्या होता है आई बिलीव इन इन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ दैट ऑफ़ एवरी एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि उससे आगे तो अभी टॉप टू होने वाला है तो hmm. हमें तो पता नहीं उस टाइम क्या होने वाला है तो अभी hmm. तो चलो इन्जॉय कर लेते हैं डांस कर लेते हैं सो दैट वॉज माई होल रिएक्शन आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मैंने इतना सोचा नहीं कि पीछे कौन आने वाला है एंड समथिंग या कौन एलिमिनेट हो गया मैंने उस मोमेंट में सच में नहीं सोचा मुझे तो बस डांस करना था एंड आई वॉज डूइंग माई बल्ले बल्ले डांस मना डू यू रियली फील एक पॉइंट पे आके बिग बॉस में

I leave that kind of impression. It could be a very good impression. I cannot make everyone happy. It could be a very good impression, which mostly is. But there can be some negative impression also. मुझे कभी बोर्डर ही नहीं होता कि लोग मेरे बारे में आसपास क्या बातें कर रहे हैं। But I was really having fun every day of my life in Bigg Boss. I really had a lot of joyful moments. और मेरी सड़ने सड़ाने की आदत नहीं है। मैं actually happy और lucky रहती हूँ। न सेनावर आई एम फ्रेंड्स विद एवरी वन आई एम फ्रेंड्स विद एवरी वन फ्राम द बिग बॉस हाउस एंड आई ओनली हैव लव फॉर द कम्प्लीट बिग बॉस फैमिली एंड द कम्प्लीट टीम जो बिहाइंड दीन्स भी थी आई ओनली हैव लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन मैंने आपसे ये रीज़न सिर्फ पूछने का ये था क्योंकि मुनावर uh, ने एक आई जी लाइफ किया था और uh, आप जैसे टेक्निकली जब से आप कहती हैं मैं फीमेल विनर हूँ बिग बॉस सेवनटीन की तो uh, मुनावर का उस पर ना एक स्लाइड डिग जैसा कुछ था तो मुझे लगा मैं मनारा से पूछती हूँ कि ये दोस्ती जा कहाँ रही है क्योंकि आपकी दोस्ती पॉइंट पे एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक फ्रेंडशिप्स थी उस घर की जो इंस्टेंटली क्लिक करे द मोमेंट आप दोनों घर में एंटर करे एंड यू वो लाइक दिस लाउड पंजाबी बच्चा इससे तो मैंने दोस्ती करनी मैं तो दोस्ती करूँगी हाँ क्योंकि मेरी बातें करने की बहुत आदत है तो आप सोचिए अभी घर के अंदर इतने दोस्त हैं तो अभी बिग बॉस के बाहर आके कितने दोस्त बन गए होंगे तो ऑफकोर्स मेरी फ्रेंडशिप्स तो रहती हैं एंड आई लव टॉकिंग टू एवरी वन बट वेन इट कम्स टू द आई जी लाइफ एंड एवरीथिंग आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई पर्सनल लाइफ एंड आई हैव अ वे ऑफ स्पीकिंग अबाउट्स एवरी थिंग एंड दैट इज माई पर्सनैलिटी एंड माई पर्सनैलिटी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु आई एम सो आई कैन ओनली से अबाउट माई सेल्फ एंड नॉट फॉर एनी वन एक चीज़ तो शायद वहाँ पर सही से मुझे लगता है नहीं लाइन करी वो इंटायर अंकिता विक्की का जो एक एपिसोड था जहाँ पे आप एक ऐसी लाइट में आ गई जहाँ पे यू तो वो द पंजाबी बच्चा टू विक्की भैया वो इतना क्योंकि मैंने वो मीडिया कॉन्फ्रेंस में मैं भी थी तो मैंने वो पूरा फ्लो देखा है

बट आई थिंक कहीं ना कहीं मैं कहीं ना कहीं सारे कपल्स के बीच में आई गई थी जितने सारे कपल्स वहां बन गए थे <laughs> सारे तो कपल्स थे, <laughs> सारे तो तो कपल्स कपल्स सब तो ए, no, no, सब okay. तो एक दूसरे को बाहर से जानती थे देर वॉज नो टू वे अबाउट इट मैं ही थी जो यूट्यूबर्स थे वो एक दूसरे को बाहर से जानते थे जो कपल्स थे वो तो ऑब्वियसली एक दूसरे को बाहर से जानते थे तो मेरे को लग रहा था मैं ही तो बेवकूफ हूं क्योंकि <coughs> जहाँ आपका नोशन uh, और आपका इंटेंट मुझे तो हमेशा दिखकर आया एज अ व्यूअर इन अ गुड वे और गुड वे यू आर वेरी क्लियर कि मेरी दोस्ती है मेरी दोस्ती है बट देवर कंटेस्टेंस इन द हाउस आई रिमेंबर ईशा ऑल्सो बैक द स्टेटमेंट जहाँ पे एक तरह से ये था कि मनारा uh, डेलीबरेटली उसे पता है अगर कोई कपल है तो उसके बीच में यू नो शीज स्टेपिंग इन टू बी फ्रेंड्स विद द बॉयज बट द पॉइंट इज यू आर फ्रेंड्स विद द बॉयज आउट यू I was friends with the boys, and there's no, uh, you know, any other thought in my head. I was friends with the boys.

ये सब मुझे कूल cool लगती है ऐसी चीज़ें अंदर ऐसा नहीं है कि मैं गर्ल्स से बात नहीं करती थी आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईशा अनटिल things happen. आई वॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ खान ऐसा नहीं है बट वो है मैं कूल cool हूँ मुझे कुछ लेना देना नहीं है एंड आई एम नॉट हिटिंग ऑन एनी वन राइट सो इट्स ऑल कूल या एक पूरा हफ्ता था बिग uh, बॉस का uh, बकायदे uh, जहाँ पे जब आयशा आई आए और आपके आप फर्स्ट मुनावर के बीच में यू टू का स्टेप बैक किया आप उस फ्रेंडशिप से थोड़ा दूर हटी क्योंकि आप उनके स्पेस में नहीं जा रही थी एंड यू वेन थ्रू एन इमोशनल ब्रेकडाउन बिकॉज अनुराग भी गए थे तो कुछ टाइम पहले ही एंड यू आर ऑल्सो इन दैट स्पेस यू आर क्राइंग योर वे थ्रू दैट वन वीक हम सबको एंड मैं मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपको मुझे भी लगा कि क्या सच में मुनाहरा मुनावर के आपसेंट से इतनी इफेक्ट हो गई हैं क्या आप इतना दुखी क्यों हैं आप इतनी दुखी क्यों थी उसे एक हफ्ते में आई वॉज फीलिंग लो और जब एक इंसान होता है जिससे बहुत ज्यादा बातें करने की आदत होती है ही लुक्स फॉर पीपल यू नो अब आई लाइक टॉकिंग टॉकिंग दर इज नो वे टू वे अबाउट इट मैं सारा दिन अभी भी फोन पे होती हूँ या बात कर रही होती हूँ राइट right? या अपना कुछ काम कर रही होती हूँ सो ये आई मस्ट लोनली एंड वो जगह ही ऐसी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टर्मोइल से जाते हो इट कैन नॉट बी कि मैं यू you नो know, अपना कार के उठाऊँ और मूवी देखने चली yeah. जाऊँ या कोई प्ले देखने चली जाऊँ आप तो घर के अंदर ही हो ना पीपल आर स्टिल वॉचिंग यू आपको वर्कआउट भी करना है तो आप जिम तो नहीं जाओगे ना वहीं पर ही जिम करोगे और उन्हीं लोगों के आगे करोगे सो दैट स्पेस इज सच यू नो सो इट जस्ट मेक्स यू फील वेरी इनडिफरेंट एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ये बात yeah. मुझे कल अभिषेक ने भी बोली थी कि जब सब अग्रेशन की बात करते हैं या उनके गुस्से की भी कि अंकिता कोई और जगह नहीं होती जाने की अगर मुझे गुस्सा आ भी रहा है मैं कहाँ दरवाज़ा खोल के बाहर चला जाऊँ वही घर है वही लोग हैं हम वही तो है हम जाएँ कहाँ और आई थिंक उस मोमेंट पर अगर आपको कोई आके थोड़ा सा हंसा देता है ना तो आपको बहुत खुशी मिलती है एटलीस्ट मुझे तो बहुत खुशी मिलती थी बस यही बोल सकती हूँ बस मुझे तो कोई आके उस मोमेंट हंसा देना आज भी रियल लाइफ में भी अगर मैं लो हूँ या एम फीलिंग एनशस और कोई मुझसे दो मिनट अच्छे से बात करके हंसा देना तो री हैप्पी मेरे को उससे ज़्यादा कुछ अपनी लाइफ से अप, किसी दूसरे इंसान से पर्सनली uh, या मटीरियलिस्टिकली कुछ नहीं चाहिए होता अब तो अब बिग बॉस के बाद की बात कर रहे हैं हम अब म्यूजिक वीडियो तो आपका तुरंत आ ही गया वेरी हैप्पी कि बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद मैं और अभिषेक हैं जिन्होंने यू you नो know, आम शुरू कर दिया एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड पीपल गिव इट ऑल द मोर लव टू सावरे गाना है uh, हाँ, खतरों के खिलाड़ी के लिए भी जा रहे ओ बैगो बताइए मैं उनसे भी पूछ के आई हूँ आपसे भी पूछूंगी आप बताइए अरे आप अपना तो पड़ेगा चलिए फिर एक लास्ट में कोई र्यूमर अगर है तो आप बस्ट कर दीजिए अगर ये है I heard you're doing a web show with Munawar Oh my god oh, Well, And that a, also Ekta Kapoor's web show uh, <laughs> It's a dream to work with Ekta ma'am It's definitely my dream to work with Ekta ma'am However, um, I have not been offered anything like that If I get an opportunity to work with Ekta Kapoor ma'am I'll be blessed, I'll be honoured because I'm a big fan of all the creative work she has done. It's a dream to work with Ekta Kapoor, ma'am. And I hope someday when I meet her, I tell her more about how I feel about her. Uh, Manara, uh, I think you were not aware that uh, Priyanka was cheering for you throughout uh, the journey and towards <laughs> the end. I remember when she put out that one message. Oh my god, you should have seen how much love it came that, you know, Mimi is cheering for Manara wala part. Are you aware of that entire paraphilia which unfolded after it? Uh, I know after getting out of the house that uh, she was cheering for me, but you have to tell me more about it. I got excited. It yeah. In fact, everyone was so We all are Bollywood buffs. We all were looking that maybe one day, maybe Parineeti or maybe Priyanka somebody would put her. And then just before the finale, Priyanka puts up oh. a story like admiring your journey and how well you have been playing. You should have seen the meltdown at that time. It oh was like my God. it was It was like wow wow. ब्लेस्ड चाइल्ड है आपको सच्ची बताऊं अपने दम पे पूरा सफर तय करना एक इंडिया के शायद सबसे पॉपुलर रियलिटी शो में वहाँ तक आना जहाँ तक आप पहुंचे यहाँ से आगे क्या करना है अफकोर्स यू वॉन्ट वर्क देर इज सो मच्लीट बट दैट वन थिंग दैट मनारा इज डाइंग टू डू मे बी अ फिल्म अ प्रोजेक्ट समथिंग लुकिंग फॉर्वर्ड टू वैट वन थॉट इन दैड कॉन्स्टेंटली So definitely I want to work in films meri hindi bahut achi hai and i ji sun lijiye punjabi mein bahut wadiya hai punjabi aap bhi badi wadiya hai te punjabi film te main already kar rahi ha te ek punjabi film hegi te ode us ton baad ek web show hega jeda main season 2 karna hai te haje ek desi music factory de naal ek release hua hai haje meri ek film release ho rahi hai te char project te pakka ne is to ilawa kafi sari opportunities aa rahi ne तो मेरा एक म्यूज़िक एल्बम भी आ रहा है जो मैं न्यूयॉर्क से शूट किया एक्साइटेड तो काफ़ी हूँ एंड बट एज एन एक्टर दट इज़ माई मेन फोकस आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिएटर एंड आई वॉन्ट टू डू गुड कॉन्टेंट पॉजिटिव कैसे आप इतनी मना रहा क्योंकि इतने उतार चढ़ाव जब आप करियर में देख लेते हैं कभी ना कभी हम वीड डो गिव अप एक देर इज़ अ पॉइंट कम कि इज़ इट वर्थ इट इज इट वर्थ पुटिंग द बैटल इन कभी ऐसा लगा आपको अपने साथ की इज इट वर्थ पुटिंग द बैटल इन मे बी आई माई शूज इन लीड दस नहीं मैं बहुत ज़िद्द इंसान हूँ मैं बहुत जिद इंसान हूँ और मेरा ये है मैं किसी की सुनती नहीं हूँ आई हैव अ माइंड ऑफ माई ओन ऑफकोर्स आई टेक सुजेशन एवरी थिंग बट जब तक वो बात मेरे दिल में नहीं लगती आई डोंट टेक इट आई डोंट गिव अप आपसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं बट अगर आपका थाट है क्लियर और आप इतने स्ट्रोंग हो तो आप उस ऊंचाई को छू ही जाओगे बट उस ऊंचाई को भी बहुत ग्रैटिट्यूड से लेना चाहती हूँ मैं जब मैं उस ऊंचा उस को छूँ बट राइट नाउ आई फील ये मेरी एक बस बिगनिंग है एंड मुझे अभी बहुत आगे जाना है लाइफ में एंड आई होप इस बिगनिंग से आगे की जर्नी बहुत अमेजिंग हो बहुत अच्छी हो थैंक यू For uh, opening your heart to us. Thank you for letting us have a small peep into how you feel. And I hope Big Boss is not just the end of it. There is so much more. And whenever we meet next, we discuss more projects. Yes. Maybe a little bit ke Khiladi also. <laughs> if Manara is not letting us sneak in. And whatever next big screen offering we have from you. But wishing you all the best, Manara. Thank you so much. And I just want to tell everyone that Savre is trending. Please go watch Savre ka music video or now. Or sari reels could retweet. And I love you all. Thank you. Hi, this is Manara Chopra, and you are watching me on Bollywood Bubble. Please like, share, and subscribe.